इस दूध बावड़ी का पानी पहले पानी नहीं था, वो दूध था, क्योंकि यहाँ से दूध निकलने लगा और अलाउद्दीन खिलजी के सारे ही सिपाहियों का पेट भर गया। ये माशाल्लाह जो भाइयों आप पहाड़ ऊपर देख रहे हैं, ऊपर छोटी सी मस्जिद है। ऐसा बताया जाता है कि सरकार जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो इसी पहाड़ पर ऊपर आए थे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वज़ल, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जलीलुल कद्र वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत करेंगे जिनकी बारगाह में आज भी जिंदा करामत मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक ऐसी बावड़ी मौजूद है जो दूध में तब्दील हो गई थी, अल्लाहु अकबर। और नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि जो बे औलाद हैं, जिनकी शादी हो के कई साल हो गए हैं, औलाद उन्हें नहीं हुई है, तो यहाँ पर आते हैं और मन्नत करते हैं तो अल्लाह के करम से और इन औलिया अल्लाह की दुआ से वो औलाद की नेमत से मालामाल हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं औलिया अल्लाह की इसी करामती बारगाह की ज़ियारत करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम रजा कादरी, हाजिर हो गया वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, आज मैं आया हूं इगतपुरी तालुका पिंपरी सैयद सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत ही खूबसूरत आस्थाना है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं, यहाँ की खूबसूरत हिस्ट्री इस वीडियो के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। ये हमारे तौसीफ भाई जो यहाँ की ज़ियारत कराने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आप ज़ियारत कराते हैं और यहाँ की मुख्तसर सी हिस्ट्री सुनते हैं। तो नाज़रीन, अभी आप जिन औलिया अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हज़रत सैयद सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह है। और आप रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक महाराष्ट्र के इलाके इगतपुरी के पिंपरी के गांव में मौजूद है। और आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बहुत ही नूरानी बारगाह है। और नाज़रीन, हज़रत सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही पाए तकमील के बुज़ुर्ग हैं। और नाज़रीन, हज़रत सैयद सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये भी बताया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफाओं में से हैं। और नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल हैं। और नाज़रीन, हज़रत सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, बस शर्त यह है कि जायज़ मुराद होनी चाहिए। और नाज़रीन, हज़रत सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह का उरूस हर साल भादों के महीने में बहुत ही शान शौकत से मनाया जाता है। और उरूस 3 दिन का होता है, जिसमें सबसे पहली चादर जवार के राजा की चलती है और फिर उस दिन से उरूस स्टार्ट हो जाता है। तो नाज़रीन, अगर आप उरूस में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, और उसके जो खूबसूरत मनाजिर हैं आप ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह अगर ये साल हमारा जाना हुआ तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। हमें इंग्लिश का महीना पता नहीं चला, इंग्लिश का महीना कौन से, मतलब सितंबर में होता है, अक्टूबर, इतना पता नहीं, हमें जानकारी ना मिली। जितने मिली है इंशाल्लाह हमने ये वीडियो के ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करा है। तो नाज़रीन, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप और अच्छे और सरकार की हिस्ट्री जानते हैं कमेंट्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर आपकी तरफ ऐसी कोई दरगाह हो तो हमें आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है नसीम रज़ा कादरी, तो हम आपके इधर भी आएंगे और ऐसा खूबसूरत सा वीडियो शूट करेंगे। और अगर आप हमें और अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिया दिख रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, तो और हम जो दरगाहें जाएंगे और दूर दूर की दरगाह के सफ़र करेंगे, वो आपको मुख्तसर सी वहाँ की फुल हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि नाज़रीन, आपको मैंने ऊपर ही बताया कि हज़रत सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में एक दूध बावड़ी भी है। तो चलिए चलते हैं, आपको दूध बावड़ी दिखाते हैं। और नाज़रीन, हज़रत सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार यहाँ पर आए थे तो एक पहाड़ पर, मतलब कयामगाह अपनी बनाई थी, तो वहाँ छोटी सी मस्जिद बनाई गई है, तो उसकी भी आज हम आपको ज़ियारत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें। भाई, ये सरकार की बारगाह की धुनी है जो 600 साल से जल रही है और हमेशा जलते रहती, कभी बुझती नहीं है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं।
माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए, ये सरकार का आस्थान है, ये धोनी। माशाल्लाह देखिए अब जलने लगी, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये सरकार ने जिनको मां माने थे उनकी दरगाह देखिए माशाल्लाह। ये माशाल्लाह जो भाइयों आप पहाड़ ऊपर देख रहे हैं, ऊपर छोटी सी मस्जिद है। ऐसा बताया जाता है कि सरकार जब यहाँ पर पहली बार आए थे तो इसी पहाड़ पर ऊपर आए थे, ऊपर ही चिल्ला फरमाए थे। और बाकी जितने इसका जो पूरा वाकया है आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। ये पहला मकाम है हज़रत सैयद सदरुद्दीन बादशाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह का। ये देखिए जूम मार के आपको दिखा दे, इतना नहीं दिख रहा, इंशाल्लाह दुआ करिए। ऊपर जाना होगा तो ऊपर आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। ऊपर बताया जाता है छोटी सी मस्जिद है, वहाँ पर ज़ायरीन लोग जाते हैं हर साल और नमाज अदा करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए, और उधर सामने छोटी सी बावड़ी भी है, उसकी भी बेशुमार करामाते, तो उसका भी वाक़या आगे चल के हम समाप्त करेंगे। नाज़रीन, ये सरकार का आस्थान है। और अगर आप दूध बावड़ी जाना चाहते थे तो कैसा रास्ता है, दरगाह शरीफ के पीछे से रास्ता है, ये दिख रहा है, यही सीढ़ी से हम आए हुए हैं, ये जाने का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं, अभी आपको मैं दूध बावड़ी दिखाता हूँ और उसका क्या वाकया है अभी आपको मैं बताता हूँ। चलिए तौसीफ भाई, ये हमारे तौसीफ भाई है जो वीडियो बनाने में हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि सरकार के बारे में किसी ने दिलचस्पी दिखाई और मुझे तो काफी दिलचस्पी है, इसीलिए मैं बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हो गया 2 साल पहले। माशाल्लाह हम लोग दूध बावड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी जो कहानी है वो मैं आपको दूध बावड़ी पहुँचने पर बताता हूँ। चलिए, ये देखो भाइयों, अभी हम लोग ऊपर से चलते हुए, ये झाड़ दिख रहा है आपको, वहीं से हम लोग चलते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं दूध बावड़ी। ये हमारे तौसीफ भाई जा रहे हैं, अभी छोटा सा मुख्तसर सा वाकया बताएंगे दूध बावड़ी का, वहीं पर चल के। ये देखिए, अगर आप आते हैं सरकार के आस्थाने पर तो दूध बावड़ी पर विजिट करें। ये देखिए, ये पहाड़ जो सबसे पहले सरकार यहीं पर तशरीफ लाए थे, ऊपर छोटा सा पत्थर है तो हर साल सब जाते हैं नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो वहाँ पर भी जाएंगे, इंशाल्लाह कभी आपको ज़ियारत कराएंगे वहाँ से। ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको सुनने के लिए और सरकार पिंपरी के दौरे पर आने के लिए। दूध बावड़ी का एक बहुत ही बड़ा किस्सा है, बदन में तफसीर में तो नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ मैं शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। इस जगह पर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का आना हुआ और उनके सिपाहियों ने यहाँ के जो भेड़ बकरियाँ थी उनको कब्ज़े में लेना चालू कर दिया और ज़ुबा करने की कोशिश थी ताकि उनके सिपाही भूखे ना सो पाए। और उसी दौर में इत्तेफाकन सैयद सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह इस जगह पर मौजूद थे और उन्होंने बादशाह को रोका और ये कहा कि मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की तीर से एक निशाना लगाया और वो निशाना इस दूध बावड़ी पर आप देख सकते हो आकर गिरा। इस दूध बावड़ी का पानी, पहले पानी नहीं था, वो दूध था, क्योंकि यहाँ से दूध निकलने लगा और अलाउद्दीन खिलजी के सारे ही सिपाहियों का पेट भर गया वो दूध पीकर। माशाल्लाह उस दिन सैयद सदरुद्दीन मदारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की फाउंडेशन को रखा गया। और इस दूध बावड़ी का वाकया इस तरह से है कि यहाँ से दूध निकलने लगा, दूध जारी हो गया माशाल्लाह और सरकार की करामतों में से एक करामत बन गई। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, इससे लोगों को निजात हुई, भूखों का पेट भरा। और कई सदियां गुजर गई, इस दूध बावड़ी का पानी उसी तरह मीठा है, बट देन अब वो दूध नहीं बनता क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो सरकार को पसंद नहीं थी और यहाँ पे जो बहुत 100 साल पहले गांव वाले थे उन्होंने वो दूध बेचना चालू कर दिया और उसे एक तिजारत का ज़रिया बना दिया। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उर्स में ये दूध बावड़ी में से दूध जारी होता है और वो तहज्जुद और फजर के पहले होता है। सो ये मौजिज़ात और करामतें आज भी है। और माशाल्लाह इस पहाड़ की करामतों के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इस पहाड़ पर सरकार
70 पालकियाँ लेकर उतरे। अब इसमें इख्तलाफात है कि लोग कहते 1400 पालकियाँ, कुछ लोग कहते 100 पालकियाँ, बट देन 70 पालकियों की जानकारी मुझे हमारे नाना से मिली जो यहाँ पर सैयद सदरुद्दीन मदारी सरकार के अहाते में खिदमत गुजार थे और यहीं पर उनका जन्म हुआ, यहीं वो पैदा हुए और इधर ही उनका इंतकाल हुआ। सो उन्होंने जब हमारे मामू को इस बारे में बताया तो हमारे मामू ने ये जानकारी हम तक पहुँचाई कि वो 70 पालकियाँ थी बेशक, और इंशाल्लाह हम इस पहाड़ पर जाना चाहेंगे अगली बार नसीम भाई के साथ, क्योंकि वहाँ पर सरकार ने एक पत्थरों की एक तामीर की है जिस पर वो नमाज पढ़ा करते थे, और एक पानी का चश्मा भी जारी हुआ है, सरकार के करामतों में से एक करामत है ये, ऊपर पहाड़ पे पानी का चश्मा। जी माशाल्लाह, चश्मा है और उसमें भी इसी तरह दूध बावड़ी की तरह मीठा पानी जारी होता है। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस पहाड़ की खूबसूरती की वजह से ही मैं शायद इस जगह से जा नहीं पा रहा हूँ, मैं जाना चाहूंगा। तो बस इसके बारे में और भी डिटेल्स है, बट अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को इस बारे में जानना मुनासिब होगा कि वहाँ पर एक दरगाह है, छोटी सी मस्जिद है, दरगाह नहीं कहूँगा, और पानी का चश्मा है कि अगर कोई मुसाफिर वहाँ तक चले जाए सरकार के प्यार में तो वो भूखा और प्यासा ना लौटे। माशाल्लाह, हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं, हमें देखने वाले ऑडियंस को? मैं एक मुंबई का हूँ, सो मैं सबसे कहना चाहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट पीपल शुड विजिट, यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ की हवा काफ़ी ताज़ी है, खेत खलियान है, सुकून है, पीस ऑफ माइंड है, और बेशक सरकार है तो ये सारी चीज़ें हैं, और सरकार ने बहुत से लोगों को यहाँ पर बुलाया है, कुछ लोगों को आसानी से बुलाया और कुछ लोगों को मुशक्क़तों से बुलाया है, तो इसकी वजह से ये जगह बहुत ही ख़ास हो जाती है हर वो इंसान के लिए जो यहाँ पर आता है और यहाँ से गुजर के दोबारा वापस यहाँ आता है। तो मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि हमारे सारे मोमिन भाई जो चाहने वाले हैं सरकार के, वो इस जगह का और दरगाह का दौरा करें, ज़ियारत करें, और माँ साहब की दरगाह पर भी जाएँ, क्योंकि उनको सरकार ने अपनी मुँह बोली माँ माना था, कहा था, और उनकी फजीलतें ज़्यादा है, और बेशक हम आपकी खिदमत गारी के लिए बहुत खुश होंगे अगर आप सब यहाँ पर मिलकर आते हो, और इस जगह के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उर्दू 19 तारीख रहती है, उर्दू 19 तारीख, बरसात का महीना सितंबर, बरसात का महीना सितंबर में हर साल, कितने दिन का मनाया जाता है? 3 दिन का रहता है, पहले दिन रहता है संतल शरीफ, दूसरे दिन रहता है बरूरस, और तीसरे दिन धुमाल। अच्छा, धुमाल में रात को पेट में पूरे 2:30 बजे चालू करते अंदर अंगार पे बच्चों की धुमाल रहती है। अच्छा, बस 3 दिन का रोज़ रहता है जी। तनवीर भाई, अगर जाहिरीन यहाँ पर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? एकदम आसान रास्ता बताइए, सब पैसा कम लगे जाहिरीन का। जाहिरीन अगर समझो बॉम्बे से आना चाहते हैं जी, तो ट्रेन से आ सकते हैं जी। ट्रेन से आने के बाद इगतपुरी स्टेशन बुक करने के बाद ऑटो मिलती है जी, और ऑटो मिलने के बाद इधर आ सकते हैं। अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने जाने में। नासिक वालों को तो डायरेक्ट बाईपास हाईवे। अच्छा, मतलब कसारा से जब जाहिरीन आ रहे हैं तो कैसे आएंगे? कसारा से आने के बाद अगर उनको इधर हाईवे पे उतर गए, हाईवे पे से किसको पूछ लिया 50 सदर दिन किधर है। अच्छा, रिक्शा वाला लेता है 20 रुपए, मतलब सीट वाइज, अगर ऐसा स्पेशल आए तो 100 रुपए लेता है। अच्छा माशाल्लाह।